तो हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा जी हैं। अभी लेखपाल 2022 में फाइनल चयन लिया है और इस समय वर्तमान में संत कबीर नगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हिमांशु, आप पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए बताएं कि आपकी सफलता की क्या रणनीति रही थी। सबसे पहले तो सर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपको कि आपने अपने बगल बैठाने के लायक मुझे समझा और इतना बड़ा स्थान दिया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जो कुछ भी सफलता है ये इसका कंप्लीट जो श्रेय है वो सर आपको जाता है। आपने सही समय पे सही तरीके से मार्गदर्शन न किया होता तो मैं अभी बाजार में भटक जाता, जैसे कि मेरे साथ कई काफी लड़के भटक गए। तो सर सबसे पहले ईमानदारी से अपना काम करने के लिए आपको बधाई। अरे मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, अगर कुछ भी ऐसा रहा है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है, आपकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और ये आपकी महानता है कि आप अपने गुरु को इतना सम्मान दे रहे हैं और आगे आपका जो रास्ता है ईश्वर करेंगे और भी बेहतर, जो आपने प्लान किया है, जो आगे का सपना देखा है वो भी जरूर साकार होगा। तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपके और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और किस तरह से आपकी आगे की यात्रा रही। सर जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का छात्र रहा हूँ, तो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना, जो कि हिंदी चूंकि इसमें बहुत अच्छा रोल होता है वो पेट एग्जाम में भी और लेखपाल में भी, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मीडियम की भी बात थी और ये लाइन मेरे लिए भी नहीं थी क्योंकि इसके पहले मेरा कुछ दिन एसएससी की तैयारी करी थी। लेकिन सर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते एक दिन रैंडमली ही आपके दर्शन हो गया और फिर जब मैंने क्लास देखी 2 मिनट में ही क्लिक कर गया, आपके साथ वाइब्स मैच हो गई और लगा कि अगर मुझे मेरी मंजिल तक कोई पहुंचा सकता है तो वो ये सर ही है। तो सर पेट से ही पेट 2021 से ही मैं आपसे जुड़ा और फिर लेखपाल का जो आपका बैच था वो लिया, आपके बताई गई एक एक चीजों को बहुत बारीकी से फॉलो किया बिना इधर उधर भटके और फिर परिणाम आपके सामने है। चलिए ये बहुत ही सकारात्मकता वाली चीजें हैं और ये बात तो ठीक है, आपको भटकना नहीं होता है, आपको जो भी बेहतर लगता है आप उन पर विश्वास करिए, अपनी अपनी रणनीति पर कम से कम आप पूरी तरह से विश्वास करते हुए चलिए। और अगर सही बात तो ये है कि अगर आप सही रास्ते पे चलते रहेंगे तो संवर जाएंगे और भटकेंगे तो बिखर जाएंगे। तो बिखरना नहीं है, समय सीमित है, उस सीमित समय का कैसे सदुपयोग करना है ये आपको तय करना है। और एक बात मैं थोड़ा आपसे ये जानना भी चाहूंगा और बच्चों का भी एक रहता है कि आपकी आगे का क्या आगे का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। हाँ सर, लेखपाल की जो मुझे सफलता मिली है, छोटी सी सफलता है, इससे ये है कि एक मोहर लग गई समाज में, क्योंकि इसके पहले भी सर मैं डाक विभाग में कार्यरत था, उसके बाद अभी राजस्व लेखपाल के पद पर चयन हुआ है। लेकिन ये अंतिम पड़ाव निश्चित तौर पर नहीं है, मैं अभी समीक्षा अधिकारी टारगेट कर रहा हूँ और आगे भी पीसीएस की तैयारी में मुझे आगे बढ़ना है। आपका सानिध्य, आशीर्वाद अगर बना रहा तो निश्चित ही वो चीज भी मुझे मिल जाएगी। मेरे जैसे और तमाम एस्पिरेंट हैं जो आपसे बैच में जुड़े थे, तमाम लोग हैं जो सफल हुए हैं और मुझसे भी कई सीनियर लोग हैं हमारे ही इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ, तो उन लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलता है मुझे कि जब इतने सीनियर लोग इतनी विपरीत परिस्थिति में तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। समाज में तमाम ऐसे एग्जांपल हैं जिन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है और आपके साथ कनेक्शन बना रहता है तो मुझे ऐसा लगता है सर 60-65 साल की एज तक भी पढ़ाई की जा सकती है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो बात सब हमारे लिए बहुत बड़े ऊर्जा का काम कर रही है आपकी बात है। और निसंदेह जो आपके एक एक शब्द हैं, जो इस तरह से जो आपके भाव हैं, जो श्रद्धा है, तो एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए आज या आपके जैसे जो बच्चे चयन होते हैं तो इससे बड़ी पूंजी मुझे लगता है कुछ नहीं होती है। हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी आप हैं और आपका सिलेक्शन है और ईश्वर करें आप आगे और भी सफलता प्राप्त करें। अभी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन चल रही है और बहुत अच्छे लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं, हमें सब जानकारी भी रहती है, आप टेस्ट भी बहुत सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे भी सब स्थिति क्लियर होती रहती है। और वास्तव में बच्चों एक सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही मेरा इनसे डिस्कशन हुआ था, यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर 13 घंटे कॉन्टिन्यूसली उन्होंने यात्रा की और उसके बाद में मतलब एक जो ऊर्जा का जो स्वरूप देखा था मैंने उसके बाद, इतना यात्रा करने के बाद, वो वास्तव में बहुत अद्भुत था। और इनके चेहरे पर जो खुशी दिखी थी और वास्तव में निसंदेह मेरे साथ भी सेम ही था, लेकिन उसको बयां नहीं किया जा सकता शब्दों में, बहुत ही अद्भुत था। सर आपका ऑरा ही ऐसा है, आपके दर्शन मात्र से ही, जैसे हम कई चढ़ाई करते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए, चंडी देवी की यात्रा पर गए तो बड़ी थकावट हो जाती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने मनसा देवी, चंडी देवी, वैष्णो देवी की यात्राएं करी है तो जो यात्रा में पहाड़ों पर चढ़ाई का जो मुश्किल भरा दौर के बाद जब हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जैसे ही माता जी के दर्शन होते हैं ऐसे लगता है शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। आपसे तो मुझे सर ये कैमरे के सामने भी बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए कि
मुझे पिता वाली वाइब आती है, तो इस वजह से मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, गौरवान्वित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं शब्द नहीं है मेरे पास, सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि आपके साथ यहाँ बैठकर कैसा महसूस हो रहा है मुझे। ये जिस दिन मैं आपसे पहले दिन जुड़ा था तब से मेरी तमन्ना थी कि किसी दिन आपके साथ बैठकर आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। ईश्वर ने वो मौका आज दिया है और मैं इसका बखूबी लाभ उठाना चाह रहा हूँ। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे बच्चे मुझे मिले हैं, ये तो ईश्वर की असीम कृपा है और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी आपसे मुलाकात करके, और आपका सबसे बड़ी बात है कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, जितना मतलब अपना पूरा जो काम है बखूबी निभाने के बाद भी आपका आगे बढ़ने का जो एक मतलब जो आपकी एक जो शक्ति है अभी भी, जो ऐसा लगता है कि हाँ जितने बच्चे पूरा फुल टाइम जो तैयारी करते हैं, मतलब आप उनसे भी एक स्टेप आगे का साहस करते हुए और उसमें निरंतर जो डेली सफलता का एक होता है ना कि डेली अपना टास्क को पूरा कर देना और सफलता का स्वाद चखना, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ऐसे मिलते रहेंगे हम लोग, और आपको फाइनली कुछ बोलना है बच्चों के लिए बोलिए। हाँ सर, जैसे आपने पूछा था अभी इंटरव्यू के शुरुआत में कि क्या क्या चुनौतियां आई आपके और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सही रणनीति क्या हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। चुनौती तो सर सबसे पहले यही होती है कि सही सोर्स आप ढूंढिए मार्केट में, चूंकि इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं, हो सकता हो कोई ऐसा बच्चा भी ये इंटरव्यू देख रहा हो जो डे वन पे तैयारी की शुरुआत करने जा रहा हो या उसका कोई पहला एग्जाम लगा। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको रिलायबल सोर्स ढूंढना है। सोर्स अपना पहचानने में ढूंढने में आप जितना समय दे सकते हैं दीजिए, लेकिन एक बार जब आपका सोर्स आपके टीचर आपके फिक्स हो जाए कि मुझे यहीं से तैयारी करनी है, तो फिर उन पर भरोसा रखिए। जैसे हम अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखते हैं, वैसे ही अपने गुरु पर और अपने कंटेंट पर, अपने सोर्स पर भरोसा रखिए और उसका बार बार रिविजन करिए। जो बच्चे सफल हो जाते हैं और जो थोड़ी सी मार्जिन से असफल रह जाते हैं, फर्क यही आता है रिविजन का और भटकाव ना करने का। मार्केट में आजकल ऑनलाइन के दौर में सर इतना ज्यादा भटकाव है कि यूट्यूब खोलते ही बच्चों के पास चूंकि हजारों लाखों ऑप्शन है, तो बच्चा तय नहीं कर पाता। आज एक ही सब्जेक्ट की पहली क्लास एक टॉपिक यहाँ से देख रहा है, दूसरी यहाँ से रहा है, इसकी वहां से देख रहा है, तो वो चीजें कहीं काम के नहीं आती। दूसरा सर पीडीएफ कल्चर जो है, तो इसके बारे में जरूर बोलिए। हाँ, पीडीएफ कल्चर मेरा पर्सनली इसमें बहुत यकीन नहीं है, मैं खुद नोट्स बनाकर लिखकर याद करने में यकीन रखता हूँ और मेरी सलाह भी है कि अगर गुंजाइश है आपके पास और है तो चीजों को लिख लिख कर याद करिए। रटने वाली जो चीजें होती है, जो फैक्ट्स होती है, मैंने जो सर अपनाया तरीका अपना कि जैसे एक रात बच्चे और हैं जो साथ में सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात लेखपाल के लिए भी है और किसी भी चीज जहाँ फैक्ट याद करने हो आप उनसे जैसे बात करते हैं, हो सकता है वो आपके ऑफलाइन मोड में हो, साथ में हो, तो आप उनसे डिस्कस करिए, वो आपसे क्वेश्चन पूछे आप उनसे पूछिए। जैसे भी हिंदी में ही है कि विलोम शब्द आपको याद करना है, पर्यायवाची याद करना है, पर्यायवाची याद करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वही हो जाए कि 10 आप मुझसे पूछ लेना, 10 मैं आपसे पूछ लूंगा, योजनाएं जैसे लेखपाल के टाइम में थी मैंने जो करी थी, तो आप मुझसे पूछ लो मैं आपसे पूछ लूं, तो ये तरीका बहुत इफेक्टिव था। हो सकता हो कोई ऐसा बच्चा हो कि उसके पास कोई पार्टनर ही ना, तो एक सर बीच का रास्ता और मैंने निकाला था अपने लिए कि जैसे जो फोन का सही इस्तेमाल है, फोन में क्या करें कि जो वॉइस रिकॉर्डर जो होता है अपनी ही आवाज में एक बार योजनाएं ऐसी फैक्चुअल चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली, अब उसका कोई भी हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लगा के सुना, और मेरे यकीन मानिए अपनी आवाज में सुनी हुई बात और जल्दी याद हो। तो मैं तो यही करता हूँ सर, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, अब पता नहीं हो सकता कोई और भी चीज को फॉलो कर रहा हो, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, जो फैक्ट आपको याद है, ये नदी इसके किनारे ये राज्य है, या कोई भी फैक्ट आर्टिकल है नहीं याद हो रहा है आपको, हिंदी का है, ग्रामीण परिवेश का है, हिस्ट्री की डेट्स है, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसको जब आपको फ्री टाइम मिले सुनिए, 3 बार 4 बार 5 बार आप सुनेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोली है। अच्छा, मैंने जो एक सबसे बड़ा निचोड़ निकाला है, इतना मैं सुबह से आपके साथ में हूँ, एक बहुत बड़ी बात ये है कि रिवीजन इस स्तर का करना चाहिए कि आप उसको, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मतलब ये कहीं ना कहीं जो मैंने भी बोली थी कि लिमिटेड सोर्स एंड अनलिमिटेड रिवीजन, ये उसी उसका प्रकाश था सर, कि रिवीजन आप इतना कर लीजिए कि आपके अंतरात्मा से ये आवाज आ जाए कि अब आप उस कंटेंट को पढ़ाने के लायक हो, ये रिवीजन का होना चाहिए। अच्छा, लेखपाल के टाइम पे सर यही हुआ था, शायद मैंने आपसे रिजल्ट आने के पहले ये चीज कही भी थी कि सिलेबस तो सर मेरा इतना तैयार हो गया था कि अब मैं पढ़ा सकता हूँ, और जब ये कॉन्फिडेंस आ गया तो एग्जाम नहीं रुके। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इस लेवल का रिवीजन तैयार कर लिया कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आपका एग्जाम तो फिर नहीं रुकेगा। बिल्कुल, तो ठीक है बच्चों, आप भी पढ़ाई करिए, आप भी अपने सपनों को साकार करिए और मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, तो जरूर आपको भी ईश्वर सफल कराए। थैंक यू।